हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अष्टम पाठ है काकस्य चातुर्यम, चैप्टर 8 काक की मतलब कौवे की चतुराई। सभी जो प्राणी होते हैं उनके पास दो तरह की ताकत होती है, एक होता है बॉडी वाली फिजिकल और एक होती है मेंटली। तो अब जो कौवा है वो तो फिजिकली स्ट्रांग नहीं होता है, तो इस चैप्टर में बताया है कि किस तरह से वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने बच्चों की जान बचाता है। चलिए स्टोरी रीड करते हैं। एक है वट वृक्ष है अस्थि, वट वृक्ष होता है बड़ का पेड़, एक बड़ का पेड़ है। तत्र काक दंपति वस्त है, वहाँ कौवा और कौवी, काक दंपति मतलब कौवा और कौवी रहते हैं। देखिए वो आपस में क्या बातें कर रहे हैं। अहो अरे, ईशे है दुष्ट सर्प है आव्यो हो, मतलब यह दुष्ट सांप आकर सावकान खादती, मतलब यह दुष्ट सांप हमारे बच्चों को खाता है। कंचित उपायम करोमि, कुछ उपाय करता हूँ। तो उसके बाद कौवा क्या देखता है कि रानी है, रानी तालाब में नहा रही है, उसके जो गहने वगैरह हैं सब बाहर रखे हुए हैं। तो काक अपनी बुद्धि चलाता है, कौवा अपनी बुद्धि चलाता है और क्या करता है, उस रानी के वो गहने उठा लेता है। तो सैनिक जो हैं वो उसको देख लेते हैं। अरे एतत् किम, अरे यह क्या, ईशे है काके है स्वर्ण हारम नैति, यह कौवा सोने के हार ले जा रहा है। वयम अनुगच्छामे, मतलब हमें इसके पीछे जाना होगा। तो वो क्या कहते हैं, जैसे कौवे ने वो हार उठाया और वो उड़ गया तो सैनिकों ने देख लिया, सैनिक उसका पीछा करते हैं। क्या करता है कौवा, उस हार को ले जाकर सांप के बिल में डाल देता है। तो सैनिक देख लेते हैं उसको, तो क्या कहते हैं, अहो अरे काके है हारम अत्र छिपती, कौवे ने हार यहाँ डाल दिया, बिलम खना में है, बिल को खोदते हैं और हार ले जाते हैं। देखो सांप ने, उसने कौवे ने कितना दिमाग लगाया कि ये सांप तो हमारे बच्चों को खा लेता है तो कुछ तो करना पड़ेगा। कौवा उस सांप को पकड़ने जाता तो सांप तो उसको भी खा जाता। तो उसने क्या किया, अपने माइंड का यूज़ किया और उस रानी का हार ले जाकर सांप के बिल में डाल दिया। हो सर्प है, प्रथमम सर्पम मारियाम अनंतरम हारम नयाम है। अब जब सैनिकों ने बिल खोदा तो वहाँ से सांप बाहर निकल कर आया, तो उन्होंने कहा सैनिक ने, अरे सांप, पहले सांप को मारते हैं अनंतरम हारम नयामे, और उसके बाद हार को ले जाते हैं। तो अब क्या हुआ, वो कहते हैं ना सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, तो कौवे ने सांप को भी मार दिया और उसको कोई नुकसान भी नहीं हुआ। तो क्या कह रहे हैं अब कौवा, आहा सर्प है मृत है कि सांप मर गया, अधुना वयम सुखेन वसामे, अब हम सुख से रहेंगे। तो देखो उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और बिना कुछ किए सांप को मार भी दिया और उसका कोई नुकसान भी नहीं हुआ। हेलो स्टूडेंट।